गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव रिवाइज द चैप्टर नंबर 1. नाउ टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 2. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में आपके जो मैथ्स का सिलेबस है वो चैप्टर 1 एंड 2 है ना, तो चैप्टर 2 अप टू 2.3 तक ही आएगी. ठीक है, आपका सिलेबस ये है, चैप्टर 1 कम्प्लीट एंड चैप्टर 2 अप टू 2.3. आपको 2.3 तक ही मैथ्स के क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करने हैं. तो हम 2.1 से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. तो फ्रैक्शंस का जो है इसमें अभी हम पोर्शन ले रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्ज़ाम जब होगा आपका तब उसमें हम डेसिमल पोर्शन ले लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रैक्शन है, किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो. तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसका एलसीएम लेके उसको लिख देंगे, देन हम न्यूमरेटर्स को ऐड करके आंसर लिख सकते हैं नॉर्मली. ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 7/2 प्लस 3/4 है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. हमने इसका एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4. देन आप 4 को डिवाइड करेंगे इस 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 का 2 यहाँ पे आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 7 से. देन एडिशन का साइन बीच में है तो ऐड कर दिया यहाँ पे. 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 टाइम 1 आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 3 ज़ा 3 अपॉन 4. 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 17/4. ये हमें इस तरीके से एडिशन करना है नंबर्स का, चाहे कैसे भी नंबर हों. आपको बस ये देखना है कि डिनोमिनेटर में जो है वो सेम डिजिट है या नहीं. जैसे यहाँ देखिए 9/5 है और दूसरी तरफ 7/8 है, तो यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. क्यों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है. तो इनका एलसीएम आएगा 40. देन हम 5 का डिवीजन करेंगे 40 से, तो 8 टाइम्स होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 9 प्लस 8 5 ज़ा 40 प्लस मल्टीप्लाई बाय 7, 72 प्लस 35 डिवाइड बाय 40. तो ये आपका हो जाएगा 7 and 10 अपॉन 40. तो इस तरीके से आपको इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए इन नंबर्स में, ये तो सिंपल नंबर थे, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे, लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है जैसे 3 1/2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? एक्चुअल में ये फॉर्मूला है QR/D. ठीक है, जब हम ये बनाते हैं तब भी इस फॉर्मूला का यूज़ होता है, लेकिन जब हमें इसको एक्सपेंड करना है तब हम इसको चेंज करते हैं Q×D+R/D में. जैसे मुझे इस नंबर को चेंज करना है इम्प्रॉपर में, ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो पहले मैं करूँगी 3×2+1/3/2. 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/2, यानी 3 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इसका इम्प्रॉपर होगा 7/2. अब 7/2 से अगर वापस जो मुझे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे पहले मैं डिवाइड करके देखूँगी. 2 3 ज़ा 6, यहाँ आया रिमाइंडर 1, ये है रिमाइंडर, ये है क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन और ये है डिवीज़र. अब मैं इसको QRD के अकॉर्डिंग प्लेस कर दूँगी. जैसे QRD, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही नंबर्स को प्लेस करना है. Q की प्लेस पे कौन है? 3 है. R की प्लेस पे कौन है? 1. और D की प्लेस पे कौन है? 2. तो देखिए ये 3 1/2 मिक्स फ्रैक्शन और 7/2 उसी का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम एक नंबर ऐड कर लेते हैं, 1 1/2 + 3 1/4, हमें इसको ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर. 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13/4. अब हम ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर्स का. 2 2 ज़ा 4, एलसीएम ले लिया हमने 4, फिर 2 का 4 से डिवीजन करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3, प्लस 4 का 4 से करेंगे 1 टाइम होगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 13. 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13/4, ये हो जाएंगे आपके 19/4. तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद उसको सॉल्व करो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2.1 में और 2.2 के सभी क्वेश्चंस मेनली इन्हीं के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड हैं.
2.3 में आप देखिए, बेस्ट 2.2 में आप क्वेश्चंस देखिए, इसमें है इनका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नॉर्मली नंबर से भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 5/3। तो यहाँ पर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का रूल है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, या दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। 5 × 1 = 5, 2 × 3 = 6। इस तरीके से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसे नंबर्स हों जो एक दूसरे से कट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2/1 मल्टीप्लाई 3/1। अब इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो हम प्रोडक्ट ले लेंगे अपॉन 1, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट आंसर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2 का मैंने क्वेश्चन 6 लिया है। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्सप्रेशन को और इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम 3 1/4 को कन्वर्ट करते हैं, तो 4 × 3 = 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 6 होल नंबर है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन 1 लिख देते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है मैंने। देन 13 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ठीक है, 13 × 3 = 39/2। अब इस 39/2 को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो डिवीजन किया 39/2, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 1, 9, 2 9 = 18, रिमाइंडर 1। सो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 1 है, क्वेश्चन 19 है और जो आपका डिवीज़र है वो 2 है। तो इसका आपका जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो होगा 19 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/2 ऑफ 2 3/4 एंड 1/2 ऑफ 4 2/9। ऑफ का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 4 2 = 8 प्लस 1 11/4, यहाँ पे हो जाएगा 11/8। इसको भी आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 1 = 8 3/8। यहाँ आप देखिए मल्टीप्लाई ऑफ की जगह 9 4 = 36 प्लस 2 38/9, 2 1 = 2, और यहाँ पे आएगा 9 19/9, 2 1/9। सो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप आइए 2.3 में भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करना है फ्रैक्शन नंबर्स का। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4, 2/7 ऑफ 3/4, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 ऑफ 5/8। इसमें से ग्रेटर कौन है यहाँ पे, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को सॉल्व तो करना होगा, तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8। अब हम इनको सेपरेटली पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर साइन पुट अप कर देंगे। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3 upon 14, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 कट, तो 3/8। अब यहाँ पर पुट करने के लिए 3/8 और इसमें से ग्रेटर कौन है ये हमें अगर पता लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 8 and 14 का एलसीएम लेना होगा, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 2 2 = 4, और ये 7 as it is, 2 1 = 2, और ये 7, और 7 1 = 7, 8 × 7, या फिर यहाँ पे आप यू देखिए 2 × 2 × 2 × 7, ये इनका आया एलसीएम। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 3/14, 3/8। ठीक है, 3/14 को ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है कि 14 56 में कन्वर्ट हो जाए। क्यों?
क्योंकि इनका LCM क्या आया था, 56 आया था, इसलिए तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर से भी करेंगे, 3 × 4 = 12, ठीक है। 3/8 को देखते हैं अब, 3/8 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 8 जो है वो 56 बन जाए, तो 7, 8 × 7 = 56। एंड अगर डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो 21/56, 12/56 और 21/56 में कौन ग्रेटर है? क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सेम है इसलिए इनको देखना नहीं है, न्यूमरेटर्स में अगर आप देखें तो ग्रेटर है 21/56। ये 21/56 आपके 3/8 का था और ये जो है 3/14 से आया था, तो ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ये ग्रेटर है। अब स्टूडेंट्स, यही जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, इन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको अलग से दिया है 1, 2, 3, 4 करके और इसके पार्ट्स बना दिए हैं, और बाकी क्वेश्चंस को क्या किया है, वर्ड प्रॉब्लम में डिस्क्राइब करके दिया है। सो मेनली इन क्वेश्चंस में करना यही है आपको, LCM लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जूम में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।